दसवीं कक्षा में अपने मौर्य वंश चल रहा था और मौर्य वंश में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात अपने को आगे पढ़ना है। मौर्य वंश का अगला शासक हुआ था जिसका नाम है बिंदुसार। कौन हुआ था? बिंदुसार। मौर्य वंश में या मौर्य वंश का शासनकाल था वो था 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ये मौर्य काल का अवधि है। अब देखो मौर्य काल में दूसरा शासक आता है बिंदुसार। अब देखो बिंदुसार के समय भारत की स्थिति या बिंदुसार किस प्रकार से शासक बना, उस चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो यहां मगध पड़ता है और मगध का पहले शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अपने जीते जी यानी पहले ही घोषणा कर दी थी, क्योंकि चंद्रगुप्त और उसका गुरु था भद्रबाहु, वो दोनों चले गए थे कर्नाटक में, एक स्थान है श्रवण बेलगोला, वहां पर चले गए थे और इसने अंत में जैन धर्म या जैन दीक्षा धारण कर ली और उसके बाद में संतारा पद्धति से अपना जीवन त्यागा था। ये चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में ही किसको शासक बनाया था? बिंदुसार को। किसको बनाया था? बिंदुसार। ये लो जी बिंदुसार। अब मगध का शासक कौन बना? बिंदुसार। मौर्य वंश की अवधि है लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त था वो शासक कब से कब तक रहा था? 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। और बिंदुसार जब शासक बनेगा ये 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक शासक रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो चंद्रगुप्त का गुरु कौन था या प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। देखो क्या होता है आगे बिंदुसार के समय, ये चाणक्य प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए रहेगा मगर चाणक्य और बिंदुसार के आपस में कभी बनी नहीं थी, तो ये चाणक्य को प्रधानमंत्री हटा देगा और उसके बाद में जब चाणक्य की मृत्यु हो जाएगी तो बिंदुसार के दरबार में दो प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति करेगा बिंदुसार। एक तो है राधागुप्त और दूसरा होगा विक्रम भट्ट। देखो चाणक्य और बिंदुसार के आपस में बनती क्यों नहीं थी, इसको थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बिंदुसार का जन्म हुआ उससे पूर्व ये जो चाणक्य था, चाणक्य क्या करता था? चंद्रगुप्त को देता था स्लो पॉइजन। यानी हल्का जहर देता था, शुरू से ही देता था। ये क्यों देता था? क्योंकि उस समय या उस काल में उस क्षेत्र के अंदर विष कन्याएं हुआ करती थी। विष कन्याएं जानते हो? ये विष कन्याएं क्या होती थी उस समय? ये जहरीली होती थी और शुरू से ये जहर का सेवन करती थी। ये जब भी किसी पुरुष या महिला को काटती थी तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो उनसे बचाने के लिए चाणक्य क्या करता था? चंद्रगुप्त को क्या देता था? स्लो पॉइजन दिया करता था, हल्का जहर देता था। अब देखो एक दिन क्या होता है, जिस गिलास के अंदर चंद्रगुप्त के जो स्लो पॉइजन डाला हुआ था, हल्का जहर डाला हुआ था, वो रखी हुई थी और वो जहर पी लेती है कौन? चंद्रगुप्त की पत्नी और बिंदुसार की मां, जिसका क्या नाम था? दुर्धरा। ये पी लेती। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, जब ये बिंदुसार गर्भ में था और इसकी माता ने क्या पी लिया था? जहर पी लिया था। अब क्या हुआ? दुर्धरा की स्थिति बिगड़ गई। अब दुर्धरा की स्थिति बिगड़ गई और गर्भ में कौन था? बिंदुसार था। चाणक्य राजनीति जी के साथ साथ में एक अच्छा चिकित्सक भी था। उसने क्या किया? दुर्धरा का कर दिया
ऑपरेशन। दूर दराज का कर दिया ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद में जन्म हुआ किसका? बिंदुसार का। यानी बिंदुसार का जन्म, या यूं कह सकते हैं कि भारत के अंदर सीजेरियन डिलीवरी ये पहली हुई थी। किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त की पत्नी दूरदरा, और बिंदुसार का जन्म हुआ। इस स्थिति में क्या हुआ, चाणक्य ने बिंदुसार को तो बचा लिया, मगर दूरदरा को ही बचा नहीं पाया। अब ये बिंदुसार अपनी मां की मौत का जिम्मेदार किसको मानता था? चाणक्य को मानता था। और इसके शरीर के ऊपर बिंदु ही बिंदु बन गए। जो जहर था वो जहर काम कर गया बिंदुसार के, और बिंदु के शरीर के ऊपर चकते चकते बढ़ गए, जिसके कारण इसका नाम आगे क्या होता है? बिंदुसार। ये थोड़ी सी कहानी है कि बिंदुसार और चाणक्य की आपस में क्यों नहीं बनती थी, ठीक है ना। अब देखो बिंदुसार राजा बन गया 298 ईसा पूर्व में। अब जब बिंदुसार यहां का शासक था, और इधर अपने सीरिया जो पहले हमने पढ़ा था, सीरिया से भी अपने संबंध अच्छे थे, अब यहां भी शासक चयन होंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय कौन था? सिकंदर था। सिकंदर, उसके बाद में सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगस्थनीज। अब यहां सीरिया का शासक आएगा कौन? एंटिओकस फर्स्ट। सीरिया का नया शासक कौन बन गया? एंटिओकस फर्स्ट। याद रह जाएगा, नाम बड़ा कठिन है, एंटिओकस फर्स्ट। ये नहीं रहता है तो दूसरा रख लो, डाइमेक्स। ये इसका ही बाप है, यानी ये भी याद रखने में कठिन है, एंटिओकस, और दूसरा याद रखना डाइमेक्स। डाइमेक्स तो क्या होगा, ये तो राजदूत बन के आएगा बाद में भारत में। अब देखो एंटिओकस और भारत में उस समय शासक किसका था? बिंदुसार का। इन दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती थी, तो बिंदुसार ने क्या कहा किसको? एंटिओकस को। एक पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र, लेटर लिखा। उस लेटर में उसने क्या मांगा? तीन चीजें मांगी। किससे मांगी? एंटिओकस से। क्या क्या मांगा देखो, पहली चीज इसने मांगी कि भाई तू एक शराब भेज। क्या भेज? शराब। और शराब भी कैसी शराब भेज? अंगूरी शराब। अंगूरी शराब, यानी शराब किससे बनती है अच्छी? अंगूर से बनती है, और अंगूरी सगर शराब की डिमांड की थी किससे? एंटिओकस से। तो यानी ये शराब किससे मांगी थी? अब देखो हम बात करते हैं कि जो जिस इतिहास गवाह है कि जिस शासक का पिता अच्छा होता है उसका पुत्र अच्छा नहीं होता है। देखो कैसे अच्छा नहीं होता है, कि भाई चंद्रगुप्त था वो महान शासक था, जिसने बहुत 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 बड़े बड़े युद्ध जीते थे, और लगभग दक्षिणी भारत तक विजय प्राप्त कर ली थी। और एक बिंदुसार है जो क्या मांग रहा है उसे, यानी दूसरे देश के व्यक्ति से क्या मांग रहा है? शराब मांग रहा है। शराब भी कैसी? अंगूरी शराब। यानी अंगूरी शराब मांग रहा है, किससे मांग रहा है? एंटिओकस से। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, सेठ साहूकारों की नसीहत से बगावत कर ले, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया सारी, ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। तो अंगूरी शराब सबसे अच्छी होती है। दूसरी चीज क्या मांगी थी? एक नंबर तो शराब, दूसरी चीज मांगी थी इसने कहा सूखी अंजीर भेज दे भाई, सूखी अंजीर। सूखी अंजीर जानते हो? अंजीर क्या होती है? अंजीर वो अपने होती है, डालते हैं ना किशमिश, उससे थोड़ी बड़ी आकार की होती है, और इस किशमिश के अंदर दाने नहीं होते, इसके अंदर दाने होते हैं, सूखी अंजीर। दो चीजें ये मांगी थी। तीसरी चीज क्या मांगी थी? तीसरी चीज मांगी थी डाइमेक्स से का वहां से एक अच्छा दार्शनिक भेजो। तीसरी चीज क्या मांगी थी? दार्शनिक। अब एंटिओकस ने कहा था, एंटिओकस ने कहा शराब भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, सूखी अंजीर भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मगर दार्शनिक नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजूंगा? दार्शनिक होता है बुद्धिजीवी व्यक्ति, और बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने राज्य के अंदर चाहिए, राज्य का संचालन करने के लिए चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को मैं वहां कैसे भेज दूं?
अब अपने भारत वालों को कह दे कोई कि आप अपने भारत से किसी दार्शनिक को भेज दो, हम भेज देंगे क्या? हमारे भारत में भी बहुत सारे दार्शनिक है, बहुत सारे विद्वान है वर्तमान के अंदर देखे, तो उन दार्शनिकों को हम कैसे भेज दें? यानी अपने भारत के अंदर एक ही दार्शनिक है, उसको फिर कैसे भेज दें? यानी जिसने नई नई संख्या का आविष्कार किया था, नई पद्धति से सोना बनाने का आविष्कार किया था, तो ऐसे दार्शनिक को कैसे कैसे भेज दे दूसरे देश में? तो इसने मना कर दिया था। अब देखो, यानी इससे पता क्या चलता है, बिंदुसार के इस व्यवहार से पता क्या चलता है कि शराब मांगी थी। तो शराब मांगी थी, इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति निम्न स्तर का था। जैसे मान लीजिए आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, आप कहीं नौकरी लग जाते हो, नौकरी लगने के बाद में कहते हो गुरुजी हमारी नौकरी लग गई, हमें कोई अच्छी चीज दीजिए, आप हमको हमें आपको अच्छी चीज देनी है। तो मैं कहूँगा आप पैसा करो, आप एक डोला ले आओ, तो आपके मन में छवि क्या बनेगी? आपके मन मेरे प्रति छवि ऐसी बनेगी कि भाई गुरुजी तो क्या है, शराब पीते हैं। तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं कह सकते। अब देखो ये चीजें हो गई, इधर से संबंध अच्छे थे और विशेष कोई बिंदुसार ने युद्ध इत्यादि नहीं किए थे। अब देखो क्या होता है, बिंदुसार के 16 रानियां थी, सोलह रानियों से 101 संतान थी। सोलह रानियां और सोलह रानियों से 101 संतान थी, यानी राज कार्य में ध्यान देने का इसको अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि इतने संतान, एक तो ये थी, एक तो इसके हैं, एक महाभारत में उस धृतराष्ट्र की थी, यानी 101 संतान, लगभग एक रानी की औसत निकाला तो 6 संतान आती। वर्तमान में हम तो बात करते हैं हम दो हमारे दो, मगर यहां तो ये कह रहे हैं हम दो हमारे 100। तो 101 संतान थी इसकी, किसके? बिंदुसार के। अब बिंदुसार के देखो 101 संतानों के नाम आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना है सबसे बड़े पुत्र और एक सबसे छोटा और एक दूसरे नंबर का जो शक्तिशाली शासक होगा उसका नाम याद रखने की आपको आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा जो पुत्र था वो कौन था? वो था सुसीम, बड़ा पुत्र था। दूसरे स्थान पर कौन था? दूसरे स्थान पर था अशोक। और सबसे छोटा कौन था? सबसे छोटा था तिशी। देखो तीन पुत्रों के बारे में जानकारी आपको याद रखनी है, सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा था सुसीम, और उसके बाद में अशोक, और उसके बाद में कौन आएगा? तिशी। देखो क्या होता है, सुसीम इधर हमने जब महाजन पद पढ़े थे उसमें देखा था कि एक महाजन पद था जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला का प्रमुख अधिकारी बना दिया गया किसको? सुसीम को। किसको बनाया था? सुसीम को। और अशोक को बनाया था उज्जैन का, और उज्जैन का क्या नाम है? अवंती। यहां का किसको बना दिया था? अशोक। अब देखो मगध में क्या होता है, जब बिंदुसार यहां का शासक था उस समय एक बार तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, यहां पर विद्रोह होता है, और वो विद्रोह सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाता है। अब सुसीम जब इस विद्रोह को दबा नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में बिंदुसार भेजता है किसको? अशोक। अशोक को बोलता है तू यहां से जा और उस विद्रोह को शांत कर दिया। अशोक यहां से गया तक्षशिला और वहां जाके उस विद्रोह को दबा दिया। टिंगरों, इस बात से क्या सिद्ध होता है? इस बात से यही सिद्ध होता है कि सुसीम अयोग्य शासक था और अशोक क्या था? योग्य। मगर अशोक का स्थान कौन सा आता है? दूसरा आता है, क्योंकि पहला स्थान किससे आता है? पहला स्थान आ रहा है सुसीम का। सबसे बड़ा कौन था? सुसीम का। अब देखो होता है क्या है, बिंदुसार के दो मैंने प्रधानमंत्री बताए थे, एक का नाम राधागुप्त और दूसरे का नाम विक्रम भट्ट। यानी चाणक्य की मृत्यु के पश्चात इस बिंदुसार के दरबार के अंदर दो प्रधानमंत्री थे। चाणक्य बिंदुसार के जितनी अधिक संतान थी उतनी ही अधिक उसका दरबार था,
उसके दरबार में 500 लोगों की मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, 500 लोग मंत्रिपरिषद में थे, सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद हुआ करती किसकी, बिंदुसार की। अब देखो ये सऊदी में क्या होता है, ये जो राधा गुप्त था ये लगभग अच्छा जानकार था और अच्छे व्यक्ति की परख करनी इसको आती थी। ये अगला शासक किसको बनाना चाहता था, अशोक को चाहता था, मगर विक्रम भट्ट ये नहीं चाहता था। विक्रम भट्ट चाहता था कि अगला शासक कौन बने, सुसीम बने। अब देखो क्या होता है, बिंदुसार पड़ गया बीमार, यानी बीमार हो गया, और तक्षशिला के अंदर पुनः विद्रोह हो गया। एक बार विद्रोह हुआ था, अशोक गया था विद्रोह को शांत करके वापिस आ गया था, उसके बाद में पुनः विद्रोह हो गया था। और जब पुनः विद्रोह हुआ तो यहां से आदेश मिला बिंदुसार के माध्यम से अशोक को कि पुनः जाओ और आप क्या करो विद्रोह को शांत करके आओ। और ये बीमार तो था ही, और बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था विक्रम भट्ट, इसने एक दूत भेज दिया कहां पर, तक्षशिला सुसीम के पास में, कि महाराज है वो तपगण वाले हैं, आगे राजा आपको ही बनना है, आप तुरंत आ जाओ। इस बात का पता चला राधा गुप्त को, राधा गुप्त ने विरोध भी किया था मगर विरोध उसका कोई माना नहीं था। तब क्या हुआ, राधा गुप्त ने तिष्य नामक छोटे पुत्र को भेजा था कि तू फटाफट जा और अशोक को बुला के ला, नहीं तो ये राजा बन गया सुसीम तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो ये तिष्य गया कहां, उज्जैन, उज्जैन जाके अशोक को बोला कि विद्रोह दबाने आप मत जाओ, विद्रोह दबाने कोई आवश्यकता नहीं, आप चलो मेरे साथ मगर। और वहां जाकर के अभी पिताजी है मृत्यु सैया पर पड़े हैं, आपको राजगद्दी पर बैठना है। तो अशोक यहां से चला गया कहां पर, मगध। जब सुसीम पहुंचा उससे पहले अशोक आ गया, अशोक आ गया मगध। अब बिंदुसार तो बीमार था, कुछ नहीं कर सकता था बिंदुसार, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अशोक को राजा बनाया था कब, 273 ईसा पूर्व में अशोक क्या बन गया, सम्राट बन गया। इसमें दो तारीखें होती है देखो, एक तो है 273 ईसा पूर्व, एक आती है इसके शासन के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व, दोनों अलग अलग मायने रखती है। कि जब बीमार था उस समय अशोक आ जाता है, अशोक को अशोक का राज्याभिषेक यहां नहीं होता है, यहां केवल 273 ईसा पूर्व में क्या होता है, राज्यारोहण होता है, यानी शासन गद्दी पर बिठाया गया था 273 ईसा पूर्व, मगर इसको वास्तविक राजा नहीं बनाया था। उसके 4 वर्ष पश्चात 269 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। बीच के 4 सालों में क्या किया, और बीच के 4 सालों में जो ये पीछे 100 बच गए थे ना, यानी एक तो अशोक हो गया, पीछे कितने रह गए, 100, इन 100 को सलटाया। यानी अधिकांश से पुस्तकें यही मानती है कि 100 अपने 100 भाइयों का वध किया था अशोक ने, मगर ऐसा नहीं है, अशोक ने उन्हीं भाइयों का वध किया था जो उसके राजगद्दी के बीच में आ रहे थे। सबसे पहले बीच में कौन आ रहा था, सुसीम, सुसीम को इसने मार दिया था। उसके बाद में अन्य कई पुत्र थे, भाई थे, उनको भी मार दिया था, क्योंकि अशोक के पांचवें शिलालेख में उल्लेख है, पांचवें शिलालेख में उल्लेख है जिंदा भाइयों का, यानी कुछ जीवित भाइयों का भी उल्लेख है पांचवें शिलालेख के अशोक के। तो उस समय क्या हुआ था, अशोक बन गया राजा, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में हो गया था, और राज्यारोहण हुआ था कब, 273 ईसा पूर्व में। तो मौर्य वंश में ये बिंदुसार वंश तक आपके पूरा होता है। आगे हम अशोक पढ़ेंगे, अशोक से पहले एक बार थोड़ा देख लो दोबारा कि हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त को पढ़ा था, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश के पश्चात मौर्य वंश में चंद्रगुप्त सबसे पहला शासक हुआ था, उसने सिकंदर के साथ युद्ध किया था और दक्षिणी भारत तक विजय प्राप्त की थी, और सिकंदर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत जो भारत में आया था वो कौन था, मेघस्तनी था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और उसके बाद में चंद्रगुप्त ने जो एक संधि की थी सेल्यूकस के साथ में, उस संधि के तहत कुछ जीते हुए प्रदेश दिए थे चंद्रगुप्त को, और उसके बाद में आता है उसका पुत्र कौन आता है, बिंदुसार आता है। देखो चंद्रगुप्त था, देखो मौर्य वंश में कुछ नहीं है, तीन ही व्यक्ति है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में आएगा अशोक, अशोक। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म धारण कर लिया था,
और जैन धर्म के अनुसार ये अपने शरीर को त्यागा था। बीच में जो बिंदुसार आया था उसने ब्राह्मण धर्म धारण कर लिया था, यानी ये ब्राह्मणों को मानता था, ब्राह्मणों को वरीयता देता था। और अंत में जो अशोक पढ़ेंगे उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक जब यहां था अवंतिका में तो उसकी मुलाकात हुई थी महादेवी से, और महादेवी से ही विवाह किया था। और अशोक के जो पुत्र एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लिया था, एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी संगमित्रा। इन दोनों का जन्म भी किससे हुआ था, महादेवी से हुआ था। तो अशोक का जिक्र हम बाद में करेंगे, अशोक का पाठ्यक्रम आपके पूछ लंबा दिया हुआ है, क्योंकि अशोक के शिलालेखों का जिक्र है आपके पाठ्यक्रम में, अशोक ने कौन कौन से युद्ध किए थे उसका जिक्र है, और बिंदुसार तक आपके पाठ्यक्रम में ये पूरा होता है। तो इसमें से कुछ आपको प्रश्न बनाना चाहिए, नोट्स जितने बनते हैं वो बनाना चाहिए। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, सम्राट अशोक की। धन्यवाद।